हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डिजाइनर नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं, आगे गला डीप और पीछे से पोर्ट रखना है। तो दोस्तों, क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो कर लेते हैं शुरू। दोस्तों, मैं आपको ब्लाउज का नाप समझा देता हूँ। लंबाई 13.5, सीना 36, कमर 30 और इसका तीरा 14 इंच है। डार्ट पॉइंट है 9.5, आगे गला 7 इंच और पीछे का 3.5 इंच। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, बैक पर लेकर कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने ये पेपर ले लिया, आपने इसे ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और ये बंद वाली साइड अपनी ओर रखनी है। और सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक सीधा निशान खींचा जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई है इसकी 13.5 इंच तैयार। तो हमने क्या करना है, 1 इंच बढ़ाना है, हमने ये 14.5 पर निशान लगाना है। ये देखिए दोस्तों, ये निशान मैंने लगा दिए, यहां पर लंबाई हो गई हमारी। अब हम लगाते हैं तीरे का निशान। तो पीछे से हमने गला रखना है बोट और आगे से रखना डीप। तो 14 इंच इसका तीरा है, तो 14 का जो हाफ होता है वो होता है 7। तो ये देखिए, यहां पर एक 7 इंच का मैंने निशान लगाया, फिर उसके बाद 1/2 इंच हमने कम कर दिया। ये देखिए, 1/2 इंच का ये मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। यहाँ से ये यह हो गया 6.5। अब एक निशान 6.5 पर यहाँ पर लगा लेते हैं और इसका सीधी लाइन यहाँ से खींच देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से 6.5 का निशान लगाया जाएगा। ये हमारी आर्मोल लेंथ का निशान है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, जो सीना है हमारा वो है 36 इंच, ठीक है। और 36 का जो चौथा भाग होता है, 36 का आधा 18, 18 का 9, तो यहाँ से हमने 9 इंच का निशान लगाना है। बैक में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ये निशान लगा दिया हमने, ठीक है। कमर है 30 इंच, तो 30 का जो आधा होता है वो होता है 15, 15 का 7.5। ये देखिए, 7.5 का निशान हमने यहाँ पर लगाना है और फिर उसके बाद 1.5 इंच आगे प्लस करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इन निशानों को आपस में मिला देना है। उसके बाद हमने ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच आगे मार्जिन के लिए और 1.5 इंच का निशान यहाँ पर। अब इन निशानों को भी हमने मिला देना है। अब क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, इस निशान से हमने 1/2 इंच का निशान ऐसे अंदर की तरफ लगाना है और इस तरीके से हमने इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। हल्का यहाँ से ट्रायंगल निशान देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, हमारी फ्रंट की जो यहाँ से गुलाई होती है, इस तरीके से आपने गुलाई करनी है। ये निशान हो गया हमारे फ्रंट की गुलाई का, ठीक है। अब बैक की गुलाई क्या करनी है हमें, यहाँ से हमने ये देखिए, इस निशान से हमने 1/2 इंच या 1/4 इंच यहाँ से बढ़ा लेना है और फिर उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगाना है। ये देखिए दोस्तों, बैक का निशान लगा दिया। अब हमने इसके डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो यहाँ से रखना है 10 इंच, 9.5 की डार्ट है तो 1/2 इंच ऊपर मार्जिन जाएगा, तो ये 10 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगाना है, ठीक है, और 3.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाना है। ये हमारे प्लेट का निशान हो गया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से कमर कितनी, 30 का 1/4 भाग होता है 7.5, और 1.5 इंच यहाँ से मैंने प्लेट के लिए छोड़ा था। अब आपको क्या करना है, 1.5 इंच यहाँ पे प्लेट डालनी है। तो यहाँ से 1.5 का जो हाफ होता है वो 1/2 होता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं इंची टेप को, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये 1/4 इंच का निशान यहाँ पर और 1/4 इंच का यहाँ पर, ये टोटल कितना हो गया, ये देखिए 1.5 इंच। तो यहाँ से आपने 1.5 इंच की प्लेट डाल देनी, तो बिल्कुल कमर फिक्स तैयार, इसकी 30 इंच आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैंने निशान लगा दिए हैं। अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग।
कटिंग करने के बाद आपने देखो जो बैक गले का निशान लगाना है, यहाँ से जो हमने बोट रखना है वो रखना है 8 8 का हाफ, 4 4 इंच पे यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ से डीप करना है हमने 3.5 इंच। आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, 3 इंच भी कर सकते हैं। तो उसके बाद एक निशान हमने ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये देखिए 4 यहाँ से रखा है तो 4 का निशान यहाँ पर भी लगाना है। अब ये बन गया हमारा बॉक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने गुलाई दे देनी है। ये देखिए बैक का निशान मैंने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आधा इंच इस तरीके से आपको डीप का निशान लगाना है, ठीक है। इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। अब ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी, आपने इसे भी ऐसे रख लेना है। जब भी आपके पास कपड़ा होगा तो ऐसे ही बिछाया जाएगा, ठीक है। ये बंद वाली साइड अपनी ओर रखनी है और फिर क्या करना है, पेपर को इसके ऊपर रखा जाएगा बिल्कुल इस तरीके से सेम भी लाना है आपने। इस तरीके से आपने निशान लगा लेने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से मैंने 6.5 रखा है, तो ठीक है यहाँ से भी 6.5 का निशान इस प्रकार से आपने लगा लेना है। और यहाँ से 1/2 इंच कम करना है, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद आपने ये देखिए 36 इंच इसका सीना है, तो आपने 36 में से 2.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। 36 और 2 38, 38 और 1/2 इंच और मिला देना है, वो गया 38.5। और 38.5 का हमने करना है हाफ। ये देखिए दो 36 में 2 इंच 2.5 इंच प्लस करना है, हो जाता है 38.5। और 38.5 का जो हमने 1/4 निकालना है वो है 9.5 1 पॉइंट, तो 9.5 1 पॉइंट का निशान हमने यहाँ पर लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर इसकी है 30 इंच की, ठीक है। 30 का जो 1/4 होता है वो है 7.5, तो 7.5 का ये निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से 3 इंच आपने यहाँ से बढ़ा देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इन निशानों को आपस में मिला देना है। अब यहाँ से 1.5 इंच का निशान मार्जिन के लिए और 1.5 इंच का यहाँ से भी। अब दोस्तों क्या करना है, डार्ट पॉइंट का निशान लगा, ये देखिए 10 इंच पर मैं ये निशान लगा रहा हूं। तो यहां से 3.5 इंच का निशान, एक 3.5 इंच का निशान आपको नीचे भी लगा लेना है। अब यहां से क्या करना है, यहां से 0.25 इंच कम कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। यहां से ये देखिए इस निशान से 0.25 इंच कम कर लेना है। तो ये देखिए यहां से इस निशान को आपने ऐसे मिला देना है। ये मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने कर्व शेप दे देनी है इस तरीके से। ये निशान लगाने के बाद आपने क्या करना, ये देखिए अब हमने ये वाला जो निशान लगाया है यहाँ से 2 इंच का, यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर क्या करना है, यहाँ से ये निशान को आपने इस तरीके से लगाना है, थोड़ा सा यहाँ से आपने शेप दे देनी है इसकी। ये देखिए इस निशान को मैंने लगा दिया है। अब ये देखो जो फ्रंट में ये गुलाई होती है, हमने ये भी निशान यहाँ से लगा देना है इस प्रकार से। ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से ये 3 इंच का इस तरीके से एक निशान लगाना है। फिर हमने एक निशान इस प्रकार से लगाना, यहाँ इसमें 1/2 इंच का फर्क होना चाहिए इसमें इसमें, ठीक है। ये निशान लग गया हमारा। अब ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको ऊपर रखते हुए यहाँ पर जितना हमने ब्रोड किया है उतना निशान यहाँ से लगा लेना है हमने, ठीक है। ये निशान लग गया, ठीक है। और गले को हमने 7 इंच डीप करना, तो यहाँ से ये निशान आपने 7.5 पर लगाना है इस तरीके से। यहाँ से 4 इंच है तो एक निशान आपने ये 4 इंच का यहाँ पर भी लगाना है। फिर यहाँ से आपने इसकी गुलाई दे देनी है।
ये देखिए दोस्तों, सारे निशान मैंने यहाँ पर लगा देना है। एक चीज आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये देखिए कमर हमारी 30 है, 30 का 1/4 7.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने 3 इंच आगे बढ़ाया, ठीक है। और प्लेट मैंने रखी यहाँ से 2 इंच की। अब 2 इंच की इसलिए रखी है क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसमें आधा आधा इंच का मार्जिन जाएगा, तो जो 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है वो उसमें बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेट आपकी पूरी कंप्लीट, इसकी कमर 30 इंच आ जाएगी। अब दोस्तों इसकी हम कर देते हैं कटिंग। अब दोस्तों ये देखिए, यहां से हमने ये निशान लगाया, इसे भी कट करना है। अब ये देखिए दोस्तों, ठीक है, कटिंग हमने कर दिया है। अब इसे ऐसे रखेंगे, हमने इसे इस तरीके से रखते हुए यहां पर ये देखिए जो साइड है, आपने ये फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखते हुए इसमें ये मिला लेनी है। अगर यहाँ से आपको छोटा बड़ा दिखता है तो इसे कट करके हम बराबर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा यहाँ से कटिंग करेंगे। इसमें हमने साइड में लगानी है जिप, ठीक है। इसमें हुक हाई नहीं लगेंगे, साइड में हमारी जिप लगेगी। दोस्तों प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर दी है हमने। आगे से गला डीप है और पीछे से गला पोट है, ठीक है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो ब्लाउज जो है बहुत ही शानदार फिटिंग आएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में नए नए डिजाइनों के साथ।